This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. Assalam Alaikum, welcome back to another video. बहुत से भाई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि यार हमें एक ऐसी आईडी भी क्रिएट करना सिखाओ जिसको हम दिन में एक बार क्रिएट करें और पूरा दिन लगातार हम उसको यूज कर पाए। मतलब कि हम उसको एक घंटे दो घंटे के लिए यूज ना कर पाए, पूरा दिन लगातार यूज कर सके। बेशक हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाए, लाइट चली जाए, जब हम अगेन अपना कंप्यूटर ओपन करें तो वहीं से हमें वो वाली आरडीपी मिले जहां से हमने उसको बंद किया था। तो आप अगर एक ऐसी आरडीपी क्रिएट करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगा जो लगातार एक बार क्रिएट करने पर लगातार 12 घंटे तक कंटिन्यूसली जिसको आप यूज कर पाओगे, ऐसी आरडीपी मैं आज आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, विदाउट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की होगी। अगर आप भी ऐसी आरडीपी बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट लाजमी से वॉच करनी है। अब अक्सर लोगों को आरडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता होता, आरडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब ये किस काम आती है, आप अपने घर में बैठकर किसी और कंट्री का अगर कंप्यूटर यूज करना चाहते हो तो आप वर्चुअली तौर पर तो आप उसको आरडीपी के तौर पर यूज कर सकते हो। अब ये वाला सर्वर जो था वो सिंगापुर का था, अब ये एक कंप्यूटर पड़ा है सिंगापुर में जिसको मैं अपने घर बैठकर अपने पाकिस्तान में बैठकर या किसी भी कंट्री में बैठकर अपने कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर पा रहा हूं, उसको यूज कर पा रहा हूं, तो इसलिए हम इस आरडीपी को यूज करते हैं। तो आप किसी भी कंट्री की आरडीपी बनाकर उसको अपने घर बैठकर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सेस करके यूज कर पाओगे, इसलिए आरडीपी को क्रिएट किया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। जब आप सक्सेसफुली आरडीपी बना लें, उसको यूज कर लें, तो आपने आकर इस वीडियो के नीचे लाजमी से सक्सेसफुली क्रिएटेड का कमेंट भी लाजमी करना है। और अगर आप मजीद आरडीपी क्रिएट करना चाहते हो तो आपने हमारे पैसा कमाओ चैनल ओपन करना है और आकर आपने ये वाली लास्ट वीडियो भी देख लेनी है जो मैंने 3 हफ्ते पहले ही अपलोड की थी और इसका मेथड अभी भी वर्केबल है। ठीक है, अभी भी आरडीपी सक्सेसफुली बन रही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बनाने सिखाई थी। इसमें आपको तकरीबन 12 GB रैम मिलती है और बहुत ही कमाल की आपको आरडीपी मिलेगी, तो आप ये वाली वीडियो भी लाजमी से वॉच कीजिएगा। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अरे भाई लोगों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है अपना कोई सा ब्राउजर ओपन, और याद रहे आपने वही वाला ब्राउजर ओपन करना है जिसमें आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन हो। ठीक है, जीमेल का अकाउंट लॉगिन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी आरडीपी नहीं बनेगी। जब आप अपना ब्राउजर ओपन कर लें उसके बाद आपने एक नोटपैड डाउनलोड करना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला नोटपैड आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करके ओपन कर लें तो आपने क्या करना है, ये फर्स्ट लिंक को यहाँ पर आपने कॉपी करना है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, सिंपल। कॉपी करने के बाद आपने उसी ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आकर उस लिंक को पेस्ट करके यहाँ पर गो कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो है एक वेबसाइट ऑन होगी, यहाँ पर लोडिंग होगी, आपने चंद सेकंड के लिए यहाँ पर वेट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर स्टार्ट क्लाउड शेल पर क्लिक कर देना। अब आपने चंद सेकंड के लिए यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखिए ये लोडिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिंग होगी। जब यहाँ पर होती है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस भी समझाता हूँ। और गाइस, जैसे लोडिंग कम्प्लीट होगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो जीमेल है जो आपके ब्राउजर में लॉगिन होगा वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा, यहाँ पर आपके सामने वो शो भी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, नोटपैड में आना है अगेन, और यहाँ पर आपको सेकंड जो लिंक मिला है इसको आपको पूरे को कॉपी करना है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आकर उसको कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर एंटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने देखिए डाउनलोड एनजी रॉक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपसे ये मांग रहा है एनजी रॉक का ऑथ टोकन। अब आपने क्या करना है, आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब में आने के बाद आपने गूगल में सर्च करना है एनजी रॉक। ठीक है, यहाँ पर एनजी रॉक के नीचे आपको मिल भी जाएगा, आपने सिंपल इसको सर्च करना है और ये आपको फर्स्ट वेबसाइट ही मिल जाएगी ngrock.com की। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, ये थर्ड नंबर पर आपको ये लिंक मिलेगा, ये एनजी रोक है, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपने न्यू टैब में आकर यहाँ पर पेस्ट करके सिंपल इसको गो एंड सर्च पर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सिंपल आपने फर्स्ट टाइम अगर आपके पास इसका एनजी रोक का अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल साइन अप पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने क्या करना है, कोई सा नेम दे दें, अपना ईमेल दे दें और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करके साइन अप पर क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने जीमेल को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। जीमेल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं अपना जो है
अपना ईमेल दे दूंगा जो मैंने वहां से कॉपी किया, और यहीं से मैं इसका जो है वो नाम उठा लूंगा, यहां से इसको कॉपी करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, ठीक। यहां पर सिंपल मैं पेस्ट करूंगा, उसके बाद यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा पासवर्ड के तौर पर भी, और यहां से इसको एक्सेप्ट करके सिंपल साइन अप पर हम क्लिक कर देंगे। अब वो कह रहा है कि ये करेक्टर आप जरा ज्यादा करें, तो हम क्या करेंगे यहां पर कुछ और भी लिख देते हैं। ओके, यहां पर मैंने लिख दिया और सिंपल साइन अप पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहां पर देखें सिंपली आपका अकाउंट जो है एनजीरो का वो क्रिएट हो चुका है। अब यहां पर देखें वो आपसे कह रहा है कि हमें और टोकन चाहिए एनजीरो का। तो जब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए ना, तो देखें यहां पर आपके ईमेल के ऊपर इसका वेरिफिकेशन कोड आएगा। सिंपल आपने अपने जीमेल में जाना और यहाँ से इस पर एनजीरो के उस पर क्लिक कर देना लिंक पर। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं इस टैब को, और यहाँ पर आपने कुछ सिलेक्शन करनी है, बल्कि मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू पर ही क्लिक कर देता हूँ, और आपके सामने जो है एनजीरो का जो इंटरफेस है, जो डैशबोर्ड है, वो शो हो जाएगा। अब एनजीरो का ओथ टोकन आपने कहाँ से लेना है, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है योर ओथ टोकन, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसी वेबसाइट में आना है, यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करना है और कीबोर्ड के ऊपर आपने कंट्रोल वी की मदद से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने अपना ओथ टोकन जो है वो पेस्ट कर दिया, सिंपल एंटर पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्वर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर किसी भी कंट्री का, जिस भी कंट्री का आपने बनाना है, उसका यहाँ पर शॉर्ट की लिख देना है। यानी कि अगर यूएसए का आपने सर्वर क्रिएट करना है तो आपने यूएस लिख देना है, यूरोप का बनाना चाहते हो तो ईयू लिख देना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम यूज किए, तो आप जो मर्जी लिखें आपको यहाँ पर सिंगापुर ही मिलती है। आप ट्राई कर लीजिएगा, शायद आपको किसी और कंट्री का सर्वर मिले। तो मैं यहाँ पर यूएस लिख देता हूँ। यूएस लिखकर सिंपल हम कीबोर्ड पर एंटर पर क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पर जो सर्वर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस उस ब्राउजर के अंदर कोई इशू आ रहा था, तो वो वाला ब्राउजर मैंने बंद कर दिया। ये मेरा दूसरा ब्राउजर है जिसमें मेरा दूसरा अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे आप वहां पर शॉर्ट की लिखोगे यूएस, तो आपके सामने कुछ लोडिंग होगी कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट आपकी लॉगिन डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने ये सेकंड चलेंगे, ये देखें 43,200 सेकंड यहाँ पर आपको मिलते हैं। अगर आप इसको आवर्स में, घंटों में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 12 घंटे बनते हैं। तो ये वाली आरडीपी आप लगातार 12 घंटे तक इजीली यूज कर पाओगे। तो आपने इसको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल पहले तो जाना है अपने गूगल में, और गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है नो मशीन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो नो मशीन, आपने गूगल में जाके सर्च करना है और ये आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी nomachine.com। अगर आपको यहाँ से ना मिले तो आपको ये फोर्थ लिंक में मिल जाएगा इसका लिंक। तो आपने इसको पूरे को कॉपी करना है, पूरे को कॉपी करने के बाद आपने किसी भी ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करके सिंपल गो पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो नो मशीन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको नहीं करूंगा, तो आपने इसको सिंपल यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तकरीबन 60 MB का सॉफ्टवेयर है, सिंपल आपने इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये आ जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको इसका जो आइकन है वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपने इसको ओपन करना है और इसको अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना। बेसिक है, सिंपल इस पर डबल क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद ये आपसे रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मांगेगा, तो आपने अपना लैपटॉप या पीसी एक बार इसको रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। बेसिक यहाँ पर आपका क्लाउड चल के ये चलता रहे, आपने इसको बंद करके यहाँ से अपने पीसी या लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है। आपका जो ये सर्वर है ये कहीं नहीं जाएगा, आपने एक बार क्रिएट कर लिया, ये 12 घंटे तक लगातार चलता रहेगा। बेशक आप अपना कंप्यूटर बंद भी कर दें या अपना लैपटॉप बंद भी कर दें, जब आप अगेन इसको ओपन करोगे तो आपको ये यहीं से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, लॉगिन करने के लिए आपने सबसे पहले सॉफ्टवेयर को जो है नो मशीन को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको डोंट शो अगेन पर क्लिक करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ से सिंपल आपने ओके ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ये आपका इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपने सिंपल ऐड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आपसे नेम मांग रहा है और यहाँ पर आपसे होस्ट नेम होस्ट मांग रहा है, ठीक है। तो नेम में आप कुछ भी लिख दें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RDP 1.2, ठीक है, ये लिख देता हूँ। अब होस्ट नेम आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने अपना ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आपको जो आईपी नजर आ रहा है उसके नीचे आपको पूरा कोड नजर आएगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको कॉपी करना है। राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको कर लें आप कॉपी। अगेन सॉफ्टवेयर में आएंगे और यहाँ पर आकर ये क्या आ गया, यहाँ पर इसको सिंपल पेस्ट करें और यहाँ से आपने क्या करना है, ये लास्ट के जो गिनती के वर्ड है इसको आपने यहाँ पर कट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और कट कर देना, ठीक है। और ये लास्ट में आई हो क्या के कुछ आएगा, आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब आपने जो गिनती के वर्ड कॉपी किए थे वो यहाँ पर आपने पोर्ट में आकर पेस्ट कर देना है सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर आपने एड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो शो कर दिया जाएगा। अब आपने इस पर डबल क्लिक कर
करना है और आपके सामने ये कनेक्टिंग मांगेगा और यहाँ पर आपसे वो यूजर नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। यूजर नेम के लिए भी आपने जाना है इसी वेबसाइट में और यहाँ पर आपको ये यूजर मिल जाएगा, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगेन सॉफ्टवेयर में आएंगे, यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। यूजर को पेस्ट करने के बाद अब आपने पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड भी आपको इसी वेबसाइट में मिलेगा। तो ये है पासवर्ड, आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और आकर यहाँ पर आपने इस टूल में पेस्ट कर देना है और यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो अपने यूजर नेम और पासवर्ड को, ताकि आप जब बार बार आओ तो आपको यहाँ पर देना ना पड़े। तो सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कनेक्टिंग होगी तो आपने चंद सेकंड के लिए यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब आपके सामने देखें, ये आपकी जो सर्वर है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर बस ओके ओके करते रहना है और आपके सामने जो आपकी RDP है, जो आपका सर्वर है, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ये इस तरह का नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने किस तरह का शो होगा। यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और कुछ इस तरह का ये आपके सामने ना जूम होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह आपके सामने कुछ जूम होगा बहुत ज्यादा। तो आपके आपने इसकी सेटिंग करने के लिए आपने सिंपल विंडो में जाना है और यहाँ से आपने डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पर आने के बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको 1920x1080p पर सिलेक्ट करके सिंपल आपने यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन पर आपने क्लिक करना है और आपका जो डिस्प्ले है वो परफेक्टली राइट हो जाएगा आपके LCD आपके मॉनिटर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस होगा। अब आपने इंटरनेट कहाँ से यूज करना है, सिंपल आपने आना है इसी अपने जो पावर बटन है इस पर आना है और यहाँ पर आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ना मिले तो आपने क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और एप्लीकेशंस में आना है और यहाँ पर आपने इंटरनेट में आना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर मिल जाएगा। सिंपल इस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये जो है आपका ब्राउजर वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ वो मांगेगा विदाउट साइन इन के, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो इस RDP के अंदर आपको प्री इंस्टॉल ब्राउजर जो मिलता है वो जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एज का ही मिलेगा, इसके अलावा आप इसके अंदर कोई और ब्राउजर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। अब आप इसके अंदर अनलिमिटेड ब्राउजिंग कर सकते हो और ये लगातार 12 घंटे तक चलती रहेगी और ये बंद नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल में आने के बाद यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे माई IP एड्रेस लोकेशन, ताकि हमें पता लगे कि हमें कौन सी जगह की IP मिली है और कौन सी लोकेशन की हमें ये वाली RDP मिली है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके सामने नजर आ रहा है माई IP एड्रेस लोकेशन, इसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे और इस फर्स्ट वेबसाइट को हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि ये ज्यादा लैग भी नहीं हो रही है, ये जो उनसी RDP है ये ज्यादा लैग भी नहीं कर रही। तो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है जो हमारी सिटी है वो भी सिंगापुर है और जो हमारी कंट्री है वो भी सिंगापुर है और जो रीजन है वो भी सिंगापुर है। मतलब कि सिंगापुर के में ये RDP मिली है जिसको हम लगातार 12 घंटे के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। अब आपको इंटरनेट स्पीड चेक करवा देता हूँ कि इंटरनेट स्पीड हमें कितनी मिली है इस RDP में। तो यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट सर्च कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये ओकला की वेबसाइट हम सर्च ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ओपन करेंगे fast.com। इसमें जरा हमें क्विक रिस्पॉन्ड मिल जाएगा तो इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे और यहाँ पर अच्छा खासा तेज इंटरनेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तकरीबन 1 GB का आपको इंटरनेट स्पीड मिलेगी जो कि काफी ज्यादा तेज है यार, आपका हर काम इजीली ये कर देगा। यहाँ पर मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा सकता हूँ लेकिन उसकी जरूरत नहीं है यार, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से YouTube वगैरह ओपन कर लेते हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि YouTube भी चल रहा है। यहाँ पर हमने YouTube ओपन कर लिया और यहाँ पर अब आपके सामने जो है YouTube भी ओपन हो चुका है। कुछ भी सर्च करें यहाँ पर आप इजीली उसको देख सकते हो, कोई भी अपना काम इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो रिजल्ट है वो भी शो हो चुके हैं। अब आप कोई भी वीडियो पर क्लिक करें और उसको यहाँ पर आप इजीली चला सकते हो। जब आपका काम कंप्लीट हो इसको यहाँ से बंद कर दें। अब आप इस सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से बंद कर सकते हो तो आपकी RDP कहीं नहीं जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इस RDP की स्पेसिफिकेशन। तो इस पर राइट हम क्लिक करेंगे, ये वाला हमारा कनेक्शन था और इसकी कनेक्शन इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो हमारा CPU वो 2 कोर का है और जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी रैम है वो 8 GB की है। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पर फुल HD है 1920x1080p जो कि फुल हाई रेजोल्यूशन है और ये जो RDP है वो लिनक्स की है, विंडो की नहीं है। ठीक है, लिनक्स की RDP है, ये भी बहुत सारे भाई लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें लिनक्स की RDP चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारी जो RDP है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बंद हो चुका है और यहाँ से जो हमारी ये वाली ब्राउजर है वो भी बंद हो चुका है। अब हम अगेन अगर यहाँ पर इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करें, यहाँ से इसको ओके करते हैं और ये वाला हमारा सर्वर था, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो आपकी जो RDP है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने देखें लोडिंग हुई है और यहाँ पर आपने सिंपल ओके पर क्लिक करते रहना है और आपके सामने जो आपका सर्वर है जहाँ से आपने छोड़ा था, बेशक ब्राउजर यहाँ पर ओपन छोड़ा था, वहीं से आपको
वो कंटिन्यू मिलेगा, वहीं से आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाए। इसको बंद कर दें, इसको भी बेशक बंद कर दें। अगेन जब आप पीसी अपना ऑन करोगे ऑफ करके, तो आपको सब चीज़ें वहीं से मिलेगी 12 घंटे के अंदर अंदर तक, ठीक है। 12 घंटे के बाद आपको इसको अगेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।